नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मसौढ़ी में मुस्लिम समुदाय का विशेष बकरीद को लेकर मसौढ़ी थानाध्यक्ष संजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई और लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की गई। साथ ही यह भी हिदायत दिया गया कि जो कोई भी अफवाह या विधि व्यवस्था और माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर मसौढ़ी SDM अनिल कुमार सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अंचल अधिकारी मृत्युंजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेश कुमार के अतिरिक्त सभी समाज से भी मौजूद रहे। जहानाबाद में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लंबी उम्र के लिए राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा गौरक्षणी देवी मंदिर में पूजा अर्चना और हवन किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव को वे बीमार नहीं देखना चाहते हैं। बेगूसराय में रेलवे प्रशासन की लापरवाही की एक तस्वीर सामने आई। हालांकि तस्वीर रात की है, लेकिन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से रेलवे के बंद फाटक के अंदर कई रिक्शा मौजूद हैं और फराटे भरती गाड़ियां गुजर रही हैं, जबकि रेलवे के नियम के अनुसार गाड़ियों के गुजरने के वक्त रेलवे के फाटक के दोनों ओर एक भी वाहन नहीं रहनी चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तबीयत खराब होने के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर लगातार पूजा पाठ और हवन का दौर जारी है। इसी कड़ी में बेगूसराय में भी राजद नेता मुकुल सरदार के नेतृत्व में बाघा में एक हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पुरोहित ने इस हवन यज्ञ को अनुष्ठान किया और लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और अब बात कर लेते हैं सुपौल की। बिहार के सुपरकॉम नाम से प्रसिद्ध IPS कोसी प्रक्षेत्र के DIG शिवदीप लांडे ने सुपौल के चर्चित दवा व्यवसायी बेटे और पूर्व प्रमुख के भाई दोहरे हत्याकांड के सुराग देने वालों को 50,000 रुपए इनाम में देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि चर्चित दोहरे हत्याकांड के बाद कई दिनों तक हंगामा और तनाव का माहौल बना हुआ था। तनाव के बाद प्रशासन ने SIT गठित किया था, मगर अब तक चर्चित दोहरे हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली है। और जो एक केस प्रतापगंज का है वो हमेशा हमारा उसके मॉनिटरिंग रहता है, डिफरेंट एंगल उसके डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट मोडस, क्रिमिनल का हिस्ट्री, क्रिमिनल्स के बैकग्राउंड सारा चेक करने के बाद उसमें दिन रात तक सबने मेहनत किया है। लेकिन वो केस जो है, जो एक पहले मर्डर हुआ था, बाद में और एक हफ्ता के बाद वहाँ पे मर्डर हुआ, तो वो केस कहीं एक डेड एंड तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। वो हमारे लिए एक बड़ी चैलेंज की बात है। तो मैं अपने पर्सनल स्तर पे ये आपके समक्ष एक अनाउंस कर रहा हूँ, उस केस से संबंध में अगर कोई भी जानकारी देता है, मुझे देता है, SP सुपौल अमरीश को देता है, प्रतापगंज थाना अध्यक्ष को देता है, SDPO को देता है, और वो सही पाई जाती है और उस केस का उद्भेदन होता है, तो पर्सनली मेरे तौर पर मैं 50,000 का रिवॉर्ड जो भी खबरी है, जो भी इन्फॉर्मर है, उसको गुप्त तरीके से दूंगा। अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र के कोनी कुटी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर नारकोटिक्स ब्यूरो के स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ऑटो से जा टकराई, जिससे ऑटो के पर खच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो ऑटो से टकराने के बाद पास के वे घर में घुस गई और दीवार से जा टकराई। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को कलेर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित पटना यात्रा को लेकर रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस की कड़ी नजर है। बताया गया कि स्टेशन पर सघन गश्ती और ट्रेनों की जांच की जा रही है। संदिग्ध यात्रियों पर भी रेल पुलिस की पैनी नजर है। मोकामा से पटना जाने का यह अहम मार्ग है, ऐसे में रेल पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं रखना चाहती। और अब बात कर लेते हैं अररिया की, जहां पोशाक राशि नहीं मिलने पर तलवार प्रदर्शन मामले में हकीकत अब सामने आ गई है। दरअसल मोहम्मद अकबर ही वह शख्स है जो हाथ में तलवार लिए हुए जिसका वीडियो वायरल है। कैमरे पर तलवारबाज मोहम्मद अकबर ने इसकी सच्चाई खुद बताई है। हम दुकान पे गए थे लेने के लिए अंडा, तो वो दुकान पर लेकर के अंडा ले रहा था, तो हम कहे कि जब तुम अंडा ले रहे हो तो मुझे भी दो अंडा दो। तो उसने अंडा नहीं दिया, उसके कारण से जब अंडा उसको जबरदस्ती हम लेने लगे तो वो बोला कि क्यों तुम अंडा ले रहे हो। उस छुरी निकाल करके वो भाई से मांगा छुरी, छुरी निकाल करके और दिखाने लगा वो उसने। हम सोच रहे हैं कि मजाक में निकाल रहा है, लेकिन वो सीरियसली में कर लिया।
तो उसके कारण हम भी मारने के लिए नियत से नहीं गए थे हम कि मारेंगे। तो पहले मतलब मास्टर साहब आपको छुरी दिखाया? हाँ हाँ। तो उसके कारण से हम बगल में घर था हमारा, तो उसी कारण से हमने छुरी उसको भी निकाल करके दिखाने के लिए चले गए। कोई मारने के लिए कोई ये नहीं है कि मारने के लिए गए हम, कुछ नहीं गए। नवादा में हिसुआ थाना क्षेत्र के गोनर बिघा स्थित ढांडर नदी घाट से अवैध बालू उत्खनन कर बालू चोरी कर रहे ट्रैक्टर को जब्त किया गया, वहीं ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई खनन विभाग और हिसुआ थाना द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।